एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। ये है ब्लू हेवन की तरफ से वाटरप्रूफ मस्कारा है। ये मैंने मार्केट से बाय करा था, इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। चलिए देखते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये मुझे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेजिंग में मिला था और ये मस्कारा की ये वाइट एंड ब्लैक कलर के शेड में है, प्लास्टिक बॉटल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक फ्री वाटर प्रूफ लॉन्ग लैश मस्कारा, स्मच प्रूफ है। और पर मुझे ये मस्कारा अच्छा नहीं लगा, आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा अजीब है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बॉन्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये इसका जो बॉन्ड है जब आप इसे अपने आईलैशेस पे अप्लाई करते हैं तो ये है, ये ना अगर आप फोकसली इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपकी आईज़ में लग जाएगा। तो इससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ब्लू हेवन जो है वो एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है और आपको मार्केट में भी मिल जाएगा एज वेल एज आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, जो फिनिश है वो तो अच्छी रहती है बट जो उसका बॉन्ड है वही सबसे डिसअपॉइंटेड है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये मस्कारा। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बिल्कुल ना लें। वाटरप्रूफ है, आपको छूटेगा नहीं ये मस्कारा, बट जो उसके बॉन्ड की वजह से आप इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी आईज़ में। बिकॉज अगर आप कोई भी मस्कारा लेते हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले उसका बॉन्ड चेक करें कि वो बॉन्ड अच्छा है या नहीं है, वो आपकी आई लैशेज में अच्छे से लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, उसके बाद ही आप कोई मस्कारा बाय करें। नहीं तो बॉन्ड की वजह से यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। और ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा एंड अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। और उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक पैकेजिंग है, देख सकते हैं आप। मैं आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ पर जाके इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।